आप, मैं डॉक्टर जाहिद दुरानी, मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपके बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और जितने डॉक्टर आपके सामने खड़े हैं इलाज के लिए वो भी डॉक्टर हैं। शिफा देना तो मालिक का काम है, दवा देना डॉक्टर का काम है। आप डॉक्टर को सहयोग कीजिए। अगर आपका पॉजिटिव आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप समय पर इलाज ले लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको पॉजिटिव आया और अगर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे तो भी आपके लिए तकलीफ है। आप हंसिए, बोलिए, एक बात बताइए मेरे को कि मौत तो जब ही आएगी जब उसका बुलावा होगा, और अगर उसका बुलावा नहीं है तो मौत कतई भी नहीं आएगी। ये अकीदा होना चाहिए। आज वक्त है एक दूसरे से मोहब्बत का, डॉक्टरों को समझने का, और अपने में कोई तकलीफ है तो तुरंत इलाज ले लेना, ताकि दूसरे घर के कोई भी इससे पीड़ित ना हो। आज जो घर में बैठे हैं वो कि बाहर, मैं मानता हूँ कि आपको बहुत तकलीफें हैं, बाहर घरों में खाना नहीं, राशन नहीं, प्रॉब्लम में आती है, लेकिन लॉकडाउन जो मोदी जी ने कहा वो भी तो ज़रूरी है। आप सोचिए, लॉकडाउन नहीं होगा तो चेन कैसे टूटेगी? आप एक बार भूखे रह सकते हो, चाय पी सकते हो, पानी से गुजारा कर सकते हो, रोटी से कर सकते हो, और धीरे धीरे अब तो वापस सब चीज़ें होने भी लग गई है, तो भूखे रह सकते हैं आप कोशिश करके। लेकिन ये बीमारी का कीटाणु एक दूसरे से जो चैनल बना लेगा तो फिर बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेगा। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक एक मीटर की डिस्टेंस बना के आप बैठे हैं वैसे बैठिए। जो डॉक्टर दवा देता है वो दवा लीजिए। आप भी पढ़े लिखे, आपको जब शक होता है आपको दवा पढ़ लीजिए और वो दवा लीजिए, और अगर आप अपने आप को सेफ रखेंगे तो आपकी हर चीज़ ओके हो जाएगी। दूसरा मेरा ये कहने का है कि जिस धर्म में भी आप हैं उस धर्म में अपने हिसाब से इबादत कर लीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह हू पढ़ के पानी पे दम कर लीजिए, हिंदू है अगर आप तो ओम नमः शिवाय पढ़ के पानी पी लीजिए, वाहे गुरु पढ़ के पी लीजिए। आप जिस धर्म में हैं उस धर्म में उस मालिक को याद कर लीजिए, मालिक सबका एक है, और याद करके पानी में आप पढ़ लीजिए और पी लीजिए, और उस पे छोड़ दीजिए। डॉक्टर को अपना करने दीजिए, प्रशासन अपना काम कर रही है, सारी जगह कोशिशें चल रही है, हर आदमी पहुँचने की कोशिशें कर रहा है, और बड़े बड़े दानवीर भी लोग आए हैं जो अपने अपने एरियों में अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भीड़ लगाएंगे और अगर आप अपने घरों में नहीं बैठेंगे, यहाँ जहाँ आपको ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ नहीं बैठेंगे, तो वहाँ नहीं लेंगे तो महामारी का रूप होगा, तो फिर किसी को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विकसित देश अमेरिका में हालत ख़राब है तो हमारी क्या हालत होगी? आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मालिक का नाम लो, दवा खाते रहो। मौत आएगी तो 5-7 कमरों में बंद होंगे तो भी आएगी, और अगर नहीं आएगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको मौत दे नहीं सकती सिवाय रब के। तो आप मालिक का तसव्वुर कीजिए, क्षमा कीजिए, तोबा कर लीजिए, क्षमा याचना कीजिए। इस समय मालिक नाराज है तो मालिक की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हुए उसे क्षमा याचना कीजिए कि जान अनजान हमसे कोई गलतियाँ हुई तो माफ़ कर। वो जो माफ़ी है वो रब माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब वो करता है और उसने माफ़ी दे दी तो आपको दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर पाएगी। और आप सबको सहयोग दो, डरो मत, डिप्रेस मत हो। कोई भी चीज़ डिप्रेशन से हासिल नहीं हो सकती है, डिप्रेशन और आपको डैमेज करेगा। आप विल पावर रखिए, दवा खुद पढ़े लिखे हैं खुद ले लीजिए, खुद डॉक्टर देता है तो आप पढ़ के दवा खाइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? और अपनी अपनी जांच करा लीजिए। अगर आपको सुरक्षित रखा जा रहा है, दूर रखा जा रहा है, तो ये सबकी सेफ्टी है, अपने ख़ानदान की भी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी की भी, और अपने मुल्क के तमाम लोगों की है। तो जो मोदी जी कह रहे हैं, जो प्रशासन कह रही है, उसको भी सुनना है। और कोई समस्या हो तो सारे दैनिक भास्कर पे देखिए, आप दान दक्षिणा चल रही है, बड़े बड़े लोगों की चल रही है, आप फ़ोन नंबर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, आप तक अनाज नहीं पहुँच रहा तो उसके भी नंबर आ रहे हैं। आप कोशिश करिए अपने मोहल्ले के अच्छे लोगों को बोल के, तो आप तक अनाज धीरे 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 हर चीज़ हो रही, क्योंकि जो भी चीज़ हुई अचानक हुई है, और अगर अचानक नहीं करे तो बहुत बड़ी महामारी ले लेती। इसलिए जो अचानक किया उसको ठीक किया है। भूखे हम रह सकते हैं थोड़े दिन, पानी पी के गुजर कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट लीजिए, उदम मत कीजिए, शांति से रहिए और भरोसा रखिए। इतना जान लीजिए कि कोई भी सिवाय मालिक के किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता, मौत नहीं दे सकता, रोजी नहीं दे सकता। इसलिए आप जो है अपने हिसाब से सतर्क होके सारे काम कीजिए, और
जो है जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको सेवा करने दीजिए और अपनी सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित होने दीजिए। और धीरे धीरे 21 दिन कब निकल जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगी, इतने दिन तो अपने निकल चुके हैं, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। और मेरी यही हिदायत है कि आप जिस भी धर्म में हैं अपनी क्षमा याचना तौबा कीजिए और अपने अपने मालिक को अपने रूप में याद करके पानी मर 101 बार दम पानी पड़ के पानी पे फूंक दो और पानी पी लीजिए, तो आपको दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर पाएगी। और इंशाल्लाह मालिक चाहेगा सब अच्छे हो जाएंगे और बहुत जल्दी सारा काम वापस सिस्टम पे आ जाएगा। माँ से 70 गुना ज़्यादा रब मोहब्बत करता है जो नाराज़ है। जब माँ से अपन तौबा मांगते हैं तो माँ माफ़ करती तो रब भी करेगा और डेफिनेट करेगा और साथ आएगा। बस इसीलिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। उद्यम मत कीजिए और सबका सहयोग दीजिए और समय पर ट्रीटमेंट लीजिए, दूरी बना के रखिए। फिर आपको अगली बार मैं मिलूँगा। होम्योपैथी में भी आर्सेनिक एल्बम से, 3X से और बेलाडोना और अस्टॉक्स वगैरह से प्रिंस चार्ल्स भी ठीक हुए हैं, तो आप भी वो अपने घरों के आसपास में बुला लीजिए, वो भी लीजिए, जो डॉक्टर दवा दे रहे वो भी लीजिए। और अपने को सेव करना है, किसके हाथ में शिफा लिखी है मालूम नहीं है, डॉक्टर बिचवा ने। इसलिए आप हमारी हिदायत को अपने दिल में उतारिए और खौफ रब से रखिए, किसी से नहीं रखना है। अल्लाह हाफिज़।